गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह ग्यारह बज रहे, तभी भी सुबह तो हो रही है ना। मेरे लिए तो सुबह, क्योंकि मैं आप ही छूटे। ये देखो मेंटल औरत कब से चिल्ला रही है, पागल, टूट के गिर गई। नीचे जाने के लिए कुछ नहीं, ऊपर आने के लिए प्रॉब्लम। राधे राधे, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चारों जन मिलके, हम लोग जा रहे हैं स्त्री मूवी देखने के लिए। टू, स्त्री टू मूवी। तो तू ही लगी ना, क्या फोर्थ वन लगी, फिर से फर्स्ट भी लगी होगी ना। नहीं हाँ बेटा, तो जाने दो इनका, क्या है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्त्री मूवी देखने के लिए, तो चलो चलते हैं फटाफट, आपको मिलती हूँ थिएटर के अंदर जाके। तो गाइज इधर हम लोग आ गए थे उल्लासनगर में, हम लोग हर बार इधर ही आते, इधर अनिल अशोक में आते हैं, नहीं तो एक मीरज करके इधर थिएटर है उधर ही आते, क्योंकि हम लोग को इधर ही आदत है मूवी देखने की, और किधर हम लोग ज़्यादा जाते नहीं। तो इधर हम लोग को भूख लगी थी दस और मे को, तो हम लोग इधर दाल पकवान खा रहे थे, और पंकज इन दोनों ने नहीं खाया था। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था, नहाया उठा ब्रश किया वैसे ही इधर आ गई थी मूवी देखने। तो इधर सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा है दाल पकवान, और दसा ने तो आधा ही खाया, उसका भी आधा मेरे को खिलाई, बोलती मेरे को जा नहीं रहा, पागल आएगा। तो गाइस जैसे हम लोग ने नाश्ता विश्ता किया, और अभी हम लोग जा रहे हैं थिएटर के अंदर, चलो चलते हैं। तो गाइज इधर हम लोग पहुंच गए थे थिएटर में, और ना 5 मिनट ही बाकी थे मूवी चालू होने के लिए, और इधर पंकू ने हम लोग को ना एक भी फोटोज निकालने नहीं दिया, कुछ नहीं निकालने दिया, बोलता है चलो 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 चालू हो जाएगी चालू हो जाएगी, और आके बैठे तो 5 मिनट बाकी थे। और गाइज इधर हम लोग ने ना मॉर्निंग का शो में गए थे, क्योंकि लेना क्या बोलते हैं शाम में पंकू को काम था, इसलिए हम लोग बोले मॉर्निंग में ही होके आते, तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग के शो में आए थे, इसलिए इतनी ज़्यादा इधर गर्दी नहीं थी। तो गाइज हम लोग आ गए अभी, बस बैठे टाइम में, इस आदमी ने ना फोटोज भी निकालने नहीं थी, जल्दी जल्दी लेके आए। अच्छा देखो, ये देखो, इधर इधर निकाले ना, उधर निकालने के लिए बाहर मुझे। अरे 5 मिनट बाकी भाई, 5 मिनट बाकी दो तो क्या, ये देख 41 हो गए, 45 की है, 4 मिनट। तो गाइज इधर हम लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवा के आ गए, दशा आई थी नहीं, क्योंकि उसको नहीं करवा फोटोज वगैरह नहीं खींचने, तो इधर ही बैठी थी। और इधर है ना हम लोग सोचे कुछ, हम लोग ने कुछ इंटरवल में कुछ लिया भी नहीं पॉपकॉर्न वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग है ना वो खा के आए थे ना दाल, क्या दाल पकवान, हाँ दाल पकवान खा के आए थे, इसलिए हमने कुछ खाया नहीं। हम लोग बोले बाहर जाके फिर खाएंगे कुछ तो अच्छी चीज़। और इधर मैं आपको मूवी के बारे में बता देती हूँ गाइस, सबसे बढ़िया मूवी है अभी, मतलब 2024 की ना सबसे बेस्ट मूवी मुझे यही लगी, कॉमेडी के हिसाब से, एक्टर्स लोगों का काम, स्टोरी इतनी अच्छी है, मतलब मैं क्या इसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकते, इतनी अच्छी मूवी है। आप लोग एक बार ज़रूर जाके देखना, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो यार, बहुत बढ़िया मूवी है, मुझे तो पर्सनली इतनी पसंद आई ना, मतलब मैं हंस हंस के पागल हो रही थी, इतनी अच्छी मूवी है ये। तो गाइस मूवी ख़त्म हो गई है, और सच बता रही हूँ मूवी इतनी कॉमेडी है ना पूछने की बात नहीं। हम लोग निकले हैं, मैं घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस है ना मूवी वगैरह देख के तो निकल गए थे, इन लोगों को भूख लगी थी, तो प्राजू को है ना सबसे ज़्यादा पसंद बर्गर है, तो है ना हम लोग बोले चलो बर्गर ही खाने जाते हैं। तो इधर हम लोग आए थे बर्गर खाने के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इधर का। तो फिर इधर बातें वगैरह चालू थी इन लोग की, हमेशा की तरह झगड़ा करते। इसके उसके बाद बर्गर वगैरह खाने के बाद हम लोग है ना आ गए थे इधर उल्लासनगर के मंदिर में, क्योंकि पंखू को है ना वीडियोज़ निकालने की थी यहाँ पर की, उसके यूट्यूब चैनल के लिए। तो ये वीडियो उसने अपलोड भी की है अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर, अगर आप लोग देखना चाहते हो, आप लोग इधर दर्शन करना चाहते हो, तो उस वीडियो में एड्रेस भी बताया है कैसा क्या आप लोग जा सकते हो। तो उसका यूट्यूब चैनल का नाम है पंकज दलवी व्लॉग्स करके नाम है, तो आप लोग जाओ और उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको सपोर्ट करो, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते। और इधर हम लोग भी जा रहे थे दर्शन करने के लिए अंदर, इधर ज़्यादा वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया है आप लोगों को,
लेकिन पंखु के जो व्लॉग है मिनी व्लॉग उस पर आपको पूरा सब अच्छे से दर्शन भी करने मिल जाएंगे, अगर आपको जाना है तो उसका प्रॉपर एड्रेस भी मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर उसके चैनल पे जाके ये व्लॉग देखना। 2 hours later दिया पे वीडियो शूट कर रही है, किसके लिए? तो भिवंडी भंडारी चौक नगर सेवक श्री यशवंत तावरे जी के कार्यक्रम में वो तुमने एडिट किया ना, वो एडिट में ना नहीं है। तो गाइज हम लोग घर आ गए थे और मुझे ना एक मतलब मेरा शो है अभी अभी मतलब 7-8 दिन बाद, तो मुझे ना वो बाइट रहती है देने की, तो वो बाइट बना के देनी थी, लेकिन इतना दिमाग खराब होता है ना वो बाइट बनाने के लिए वो बाइट यानी बाइट नहीं रहती है, छोटा सा रहता है, नमस्कार मैं आने वाली हूँ यहाँ 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 नाम भी लेने का नगर सेवक इन लोग के सबके, क्योंकि उन्होंने हमको शो दिया इसलिए, तो वो बाइट बनाने की थी। तो आधा घंटा हो गया ना आधे घंटे से मुझे नाम याद नहीं आ रहे, एक तो मेरे पहले ही भोबड़ी बढ़ती है तो उनके एकदम हैवी हैवी नाम रहते हैं, तो मुझे आ नहीं रहता और पंखु मेरे पे चिरचिर कर रहा है, बाबू ऐसा बोलते हैं, बाबू ऐसा बोलते हैं, मेरे को आ ही नहीं रहा था। अरे फिर भी तुमको एक एक वो शब्द ये वाक्य दिए, एक शब्द थोड़ी बोलने को दिया मैंने। तो बाबू फिर भी यार मेरे को नहीं इतना ये है कि मैं नहीं इतना बोलती, इतने हैवी नाम मेरे को लेने हाँ ये भी नहीं जानते, और वो जो रील में कुछ भी वो इंग्लिश भी इंग्लिश वो तमिल भी मिल वो पे, 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 पे बोलती, वो जी मिलाने की रहती है, इधर पूरा अपना आवाज जा रहा है, वो नहीं आता है। तो ये आदमी मेरे पे चिढ़ गया है क्योंकि मैं एक घंटे से एक ही नाम लेने की कोशिश करी जो कि मुझे आ नहीं रहा, और प्रस्तुत इतनी मेरे को नहीं आती, प्रस्तुत महोत्सव तो मेरे जो बैकग्राउंड में तेरा आवाज है तो मुंह बड़बड़ा तो पंखु के लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है और मेरे चीज़ें नॉर्मल नहीं, क्योंकि मैं इतने भारी भारी शब्द अपनी रियल लाइफ में नहीं बोलती, तो इसका ऐसा है कि कर रहा है मेरे को बेफालतू का। तो बस अभी हम लोग घर पे आए हैं तो इधर एडिटिंग कर रहा है, क्योंकि ना मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके बोला है, इतना सारा बोलने का था, इधर आ रही हूँ पहले खुद का नाम बोलो फिर क्या के लिए मैं आ रही हूँ वो बोलो, ये सारी चीज़ें थी। तो अभी मैंने सब बोल के हो गया, एक घंटे से काम कर रहे थे ये, फिलहाल हो गया है, अभी एडिटिंग कर रहा है थोड़ी सी, जिधर जिधर ज़रूरत है, जिधर मैं हंसी भी थी। रुको एक सेकंड श्री यशवंत तावड़े जी के कार्यक्रम का, तो आप सभी आइए खूब धमाल मचाइए, जय श्री कृष्ण। तो गाइस देखा इतना बड़बड़ बड़बड़ करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई हाँ ये भी है इतना बोलना है, और एकदम परफेक्ट नाम लेने पड़ते हैं, इधर उधर हो गए तो फिर बोलेंगे। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, थोड़ा सा काम है ये, मिलती हूँ आपको। हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों को बोली मैं मिलती हूँ, सो गई थी मैं तो कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठी थी और वही हर बार का है, रात को लेट सो के सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर मूवी वीवी देखने गए हम लोग, उसके बाद मैं घर पर आई, मंदिर विंदिर भी आप लोग ने देखा होगा, मंदिर वगैरह गए थे, सारा व्लॉग तो आप लोग ने देखा ही होगा। तो मैं आपको बोली मैं मिलती हूँ करके, तो पंखा चला गया था, उसके बाद मैं जो तुरंत फ्रेश हुई और सोने चले गई, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, पता नहीं ये व्लॉग बहुत छोटा बना होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा भी शूट कुछ किया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग मैं कल कंटिन्यू रखूँ, तो आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में, गुड नाइट, राधे राधे। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी है ना नेक्स्ट डे हो गया है, और है ना इधर आइए लीना आइए, दसा इन लोग खाना खा रहे हैं, हाँ मैं पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को लीना मुंह में नाम ही नहीं बैठ रहा है, निहारिका बोल रही है इसको, प्राजू की एकदम बेस्ट फ्रेंड है गाइस, बहुत बेस्ट फ्रेंड है प्राजू की, प्राजू आज ये आ रही है इसलिए मस्त तैयार वियार होके बैठी है, नहीं तो इतने हाँ नहीं भी नहीं तो ना ऐसे शॉर्ट कपड़े पहने के घर में दिन भर ऐसी घूमते रहती, ये नहीं वो चड्डा। फाइनली मेरे को वो मौका मिल गया कि मैं ब्लॉग पे आ जाऊँ, मैंने बोला था कब से।
अरे उस दिन तो आई ना व्लॉग में, तो उस दिन पता ना मैं किचन में ही थी, खाई गई थी, मेरे को ना शाम के भोग की भी तैयारी करनी, पर मैं भूल गई, मेरे को तू गई तब मुझे याद है, मैं बोली एटलीस्ट मिला तो लेती तेरे से। तो गाइस यही है प्राजू की बेस्ट फ्रेंड है ये, खाना वगैरह खा रहे हैं इन लोग, तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। 1 hour later लड़की आई है, इधर आ, इधर आए, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जल्दी गाइस, ये लड़की आई है अभी नहीं आई, इसको छोड़ के लीना को और लीना को छोड़ के आई है उधर से ना पार्टी वाली, कौन से पार्टी की पेंसिल खाते ना, इसने जो चौक रहते ना चौक बोल, हाँ ब्लैक बोर्ड के जो चौक रहते ना वो लेके आई, बोलती वो खाते, बोलती मैं पहले से खाती, इसलिए इसके आंग में जान नहीं, कुछ भी खाती है ना जंगलियों जैसे, सफेद वाले खाने से कुछ नहीं होती, कलरफुल खाने से होती। देखो देखो इसकी इंटेलिजेंट, देखो इतनी इंटेलिजेंट लड़की इधर ही हमारे घर में ही हुई है, बोल शेपाल दी को मेरे को सिखा रही है, बोलती चलता है कोई बात नहीं होती, मैं तो पहले से खाती हूँ, इसलिए ऐसी है क्या तू, उल्टे सीधे काम कर रही है, बता किधर है चौक, इधर ला दे जल्दी दे दासा, अरे नहीं एक हाथ में हिल जाती तू उसके, इज्जत में ला जा, किधर है इधर गई थी वो दीवार के इधर, इधर इधर गई थी दादू, इधर गई थी, चेक कर जा, बता बता कौन सारा चौक है बता, अरे को ये बोलती है खाते है ये चौक, इसको मारने का कहने का अभी हाँ क्यों खाई, खा के आई होगी ना तूने, खा के आई क्या, क्या इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, तूने खाई होगी ना आकर, नहीं पक्का, खाना खा जा आधा घंटा पहले, देखी मार 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 मार, ये चौक को ही खाते इतने बड़े मार कर, एक खाई पूरा चौक दस, देखो अक्कल है क्या, कुछ भी गटर के बापी दिए, पेड़ के गटर है इसके अंदर, देखो तो होता है दिख रहा है ये हालत है तेरी, हाथ तेरा मुंह है कैसे हो गए, ये बीमार मरीज, ये करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी, तो देख हिल रही सारा उधर से, अभी ना ये बोल रही थी मेरे को एनसीसी करनी है, ये इसकी ऐसी हालत है, एक हिल जाती दद्दू हिलाता तो हिल जाती, फॉर्म भरने जाएंगी, खाना खा पहले, चौक खा रही है, गदी है गदी है लड़की, इस लड़की का क्या करे हम लोग, चल बाथरूम में चल। A few minutes later. क्या कर रही मेरी बच्ची के साथ? जादू देखने बैठी थी, देखने का अपने आप जादू हो गया थे, अपने आप गोल गोल घूम रही है, बेबी को जादू कैसा लगा, पहले पूजा कर और चाय बना जा, नहीं मैं थक गई लेकिन मैं टूटी नहीं, मैं थक गई, पता है तुम शेपाल दी दसा को ऐसी पकड़ती और इसे हिलाती पकड़ पकड़ के, यही तरीके दद्दू ये, अभी 2 मिनट पहले आती तो तेरे को पता चलता, लकड़ियों के जैसे हला रही थी बेचारी को, ये ऐसी दशा को करती है तू इसको कर, उस दिन दशा को ऐसी खींच रही थी कपड़े पकड़ पकड़ के, अरे
से खींची ना उसका टी शर्ट खराब की। क्या स्टोरी रखी क्या लगी स्टोरी बता ये स्टोरी रखी इसने भेजी क्या क्या उल्टी कर रही वो देख देख कितनी अच्छी स्टोरी रखी है क्या ना दासा उसको नाम रखती हम मेरे को भी रख दो ऐसी भेजती मेरे को लोग इतने अच्छे फोटोशूट करते उसमें सब अच्छा रहता है इसका सिर्फ पंकु दादा रहेगा ना वो स्टोरी पे हार्ट बीट भेजेंगी बाकी हर स्टोरी पे ना फालतू फालतू लिखती है देख तू इसको इलाज किया इसको इलाज अयो अयो एक दूसरे के कपड़े उतार दिए यही कर रही अभी तो बड़ा तू भी चल आज का व्लॉग मैं यही खत्म कर रही हूँ आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग शायद से रक्षाबंधन का आने वाला है तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और अभी रक्षाबंधन है एक या कल नहीं परसों है ना रक्षाबंधन मंडे को रक्षाबंधन है तो मजा आएगा तो गाइस आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय राखी आने वाली है।